Mission Raniganj has been released on the silver screen on October 6th. Directed by Tinu Suresh Desai, Mission Raniganj is based on the life of a real-life hero, Jaswant Singh Gill, who raced against time and rescued many miners trapped in a flooded coal mine. The film also stars Pariniti Chopra in a pivotal role, and fans are stoked to see the duo work together. Let's hear what fans have to say about the film. अक्षय कुमार पाजी को मैं एक ही सल्यूट करना चाहूँगा कि जब भी अक्षय कुमार को आप देखोगे वो हमेशा से एक सोशल मैसेज वाली मूवी बनाती है, मतलब क्या है कि वही एक्टर बॉलीवुड में जो सोशल मैसेज देते हैं ट्रू स्टोरी पे जो भी मूवी बनती है वो अक्षय कुमार ही बनाते हैं। अगर मिशन रानीगंज की बात करें तो यार ये मूवी को देखने के बाद तो मैं बोलूँ ना मैं इमोशनल हो गया हूँ, मतलब कि क्या मूवी बनाया, इन्होंने क्या रिसर्च किया यार, मतलब कि जिस तरीके से जसवंत सिंह गिल की कहानी को उन्होंने प्रेजेंट किया ना, माइंड ब्लोइंग। अक्षय कुमार मतलब कि उस करेक्टर में अपने आप को ढल गए, वो सुपर मूवी बनाया उन्होंने। देखिए ट्रू कहानी है, कुछ वर्कर है जो जमीन के अंदर वो फंस जाते हैं तो उसकी उनको कैसे बचाया जाता है, जिद्दोजहद जिस तरीके से उन्होंने किया पूरे सबको बचाया, ये नहीं है कि एक को एक भी मर गया, मतलब सबको बचा लेते हैं वो एंड तक। देखो अक्षय कुमार और परिणीति की केमिस्ट्री की बात करें तो उनकी केमिस्ट्री ऑलरेडी केसरी मूवी में सुपर हिट है, यहाँ पे भी सुपर हिट है, लेकिन परिणीति चोपड़ा स्क्रीन में बहुत कम दिखी है, पूरा फोकस अक्षय कुमार पे है। तो यार ये मूवी को सभी को देखनी चाहिए, अभी देख रहा हूँ थिएटर में पब्लिक ही नहीं है, 20 से 25 लोग हैं, मतलब अच्छी मूवी के लिए पब्लिक आती नहीं है और जो आड़े तेड़े मूवी होती है उसके लिए पब्लिक भर भर के जाती है। तो यार अच्छी कॉन्टेंट है तो प्लीज़ इस मूवी को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आनी चाहिए, मूवी को देखनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को देखनी चाहिए जसवंत सिंह गिल की कहानी को। बढ़िया थी, सरदार के लुक में हमेशा उन्होंने अच्छा ही किया है, जैसे सिंह इज किंग है और भी बहुत सारे फिल्में हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रोल किया। बहुत अच्छी फिल्म है, हर एक जगह एंटरटेनमेंट है, हर जगह एंटरटेनमेंट है, और रियल स्टोरी को जिस तरह से विपुल सर ने लिखा है इसको, जैसे स्क्रीन प्ले है और जैसे उन्होंने माइनस लोगों को बचाया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रशंसा लायक है ये फिल्म, एक बार नहीं बार बार देखने लायक है। बहुत अच्छा लुक दिया है, परिणीति जी ने जो एंडिंग में जो उन्होंने फेस एक्सप्रेशन दिया है वो बहुत काबिले तारीफ़ है सर, बहुत ही ज़बरदस्त है और माइंड सेटअप को हिला देने वाला पिक्चर है। और मुझे पता भी नहीं था कि रानीगंज में एग्जैक्टली मतलब ऐसा भी कुछ हुआ था, जो हादसा कहा जाता था ऐसा हादसा हुआ नहीं था, बट सबको सेफली बचा लिया गया था और उन्हें बहुत पुरस्कार से नवाजा भी गया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब पिक्चर को कहीं ना कहीं कैलकुलेट करता है, और मुझे लगता है कि इस पिक्चर को लोगों को देखने के लिए आना ही चाहिए, पर्सनली अपील है। बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ी गई है और एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो मतलब मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि 2.5 घंटे तक मेरी नज़र ही पिक्चर से हट नहीं रही थी, इस तरीके से उसको कैलकुलेट किया गया था, बहुत अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह, बहुत अच्छा एडिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा गया है। और एक ही चीज़ है अपील पब्लिक को कि प्लीज़ यार आप सभी लोग अक्षय सर को बहुत अच्छा सपोर्ट करो भाई यार, मतलब सभी इंसान जो है पिक्चर्स लेकर आते हैं बट कुछ पिक्चर्स ऐसे होते हैं जो रियल बेस्ड स्टोरी होता है, और अगर आपको रामगंज की कहानी जानना है तो आपको इस पिक्चर को देखने के लिए आना ही पड़ेगा। कि मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, तो इसमें बहुत ही दिल दहलाने वाले सीन्स हैं, और रानीगंज में जो 1989 में हुआ था, जसवंत सिंह गिल एक IIT धनबाद के जो ऑफिसर थे उन्होंने 65 वर्कर्स को रेस्क्यू किया था कोल माइन में, और वही ये मूवी में दिखाया गया है। डायरेक्शन बहुत अच्छा है टीनू देसाई का, और उसके साथ साथ जितने भी किरदार है बहुत ही वेल एज्ड कैरेक्टर्स है, बहुत ही वेल डिफाइंड है, बहुत इमोशनल मूवी है, बहुत हार्ट रेंचिंग सीन्स हैं, और जितने भी मतलब अक्षय कुमार तो एक बार फिर से छा गए, मतलब ही इज़ सच ए वर्सेटाइल एक्टर, कोई भी रोल उनसे करवा लीजिए। और उसके साथ साथ जितने भी सीजनड एक्टर्स हैं, पवन मल्होत्रा, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, अनंत महादेवन, जितने भी मतलब एक से एक शिशिर शर्मा, कितने सारे सीजन एक्टर्स हैं, उनके भी रोल्स बहुत अच्छे हैं। लेट्स सी हाउ मेनी स्टार्स द पब्लिक इज गिविंग टू द फिल्म। मैं तो 5/5 दूंगा सर, मुझे एंटरटेनमेंट लगा सर। देखो अभी ये अपने आप में एक सुपर हीरो हैं, वो जो जसवंत सिंह गिल हैं वो हीरो हैं, तो उनको स्टार की जरूरत नहीं है, उनको यूनिवर्स दे दो। 5 में से 5 सर, 5 मैं इसको 4/5 स्टार। इसमें देखिए ट्रू स्टोरी है, तो ट्रू स्टोरी तो हूबहू बनाई है, तो 5 में 5 ही बनेगा, उसमें कोई कटौती तो हो नहीं सकती है, और अक्षय कुमार की एक्टिंग का तो कोई हिसाब है ही नहीं, बैठता ही नहीं है, तो मैं हिसाब क्या दूँ।